दो जेठानियों वाला ससुराल। अरे सीधी बैठ जा, करने क्यों नहीं दे रही है मुझे? माँ बस करो ना माँ, मैं थक चुकी हूँ, मेरे बालों में दर्द हो रहा है, वैसे भी मुझे तेल डलवाना बालों में पसंद नहीं है। जब ही तो ये घास जैसे बाल कर लिए हैं तूने, कुछ ही महीनों में शादी हो जाएगी तेरी। बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, जल्दी शादी कर दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि तू किसी घर की जेठानी बने, मेरी तरह देवरानी नहीं, वरना घर में ही पिसती रह जाएगी अपनी जेठानी से। ऐसा कुछ भी होता है क्या माँ? और क्या, अपनी ताई जी को देख कितनी चाल पट्टी खेलती है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही माँ, पर अब जो नसीब में है वही देंगे ना भगवान जी तो। हाँ ये भी है, मैं तो बस अपनी इच्छा और तजुर्बे से बता रही थी। माँ मुझे इसकी चिंता नहीं, पर मैं सावली हूँ, मेरे लिए अच्छा रिश्ता आएगा भी या नहीं, आप तो जानती हैं स्कूल में और यहाँ पर भी सबने कितना मेरा मजाक उड़ाया है। बेटा फालतू लोगों का काम होता है लोगों की जिंदगी में दखलअंदाजी देकर उन्हें परेशान करना, पर तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, तू बहुत अच्छी है और रंग में क्या रखा है, भले ही सांवली हो लेकिन तेरे नयन नक्श और स्वभाव बहुत अच्छे हैं। थैंक यू माँ, आपकी बात से ही मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। सुजाता अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, जिसके कुछ महीनों में अमीर घराने के तीसरे छोटे बेटे अबीर से शादी तय हो जाती है, फिर चट मंगनी और पट ब्याह हो जाता है। अब सास सुमित्रा बहू का खूब अच्छे से गृह प्रवेश करवाती है। अरे वाह, मेरी बहू के नैन नक्श तो बहुत अच्छे हैं, रंग सांवला हुआ तो क्या हुआ। माँ जी आपको कहाँ से सुंदर लग रही है ये, अपनी देवरानी से तो हम दोनों जेठानियां ही गोरी हैं। हाँ माँ जी, आपको क्या सुंदर नजर आया हमारे देवर जी के लिए इसमें। वही जो मुझे तुम में नहीं दिखा वो मुझे इसमें दिखा। आजा बहू, अपने पैर और हाथ के छाप बना दे इस कपड़े पे। जी माँ जी। ये कहकर सुजाता एक मलमल के कपड़े पर अपने पैर और हाथ के छाप बना देती है। सास की बात सुन दोनों घमंडी जेठानी का चेहरा उतर गया था, तो रसोई में दोनों थाल पटक कर कहती हैं, मानसी देखा ना तूने, माँ जी ने कैसे उस देवरानी के आते ही हमें ताना कस दिया। हाँ दीदी। कोई नहीं, कल इसकी पहली रसोई मैंने बिगाड़ नहीं दी और माँ जी से इसको डांट नहीं पड़वाई तो मेरा नाम भी शालिनी नहीं। क्यों दीदी, उसके बाद आप अपना नाम क्या रखने वाली हो? तुम कार्टून से कम नहीं हो वैसे। गुस्से में शालिनी वहां से चली जाती है। अगले दिन सुजाता अपनी पहली रसोई का खाना तैयार कर लेती है और सास के पास जाती है। माँ जी आपको नमक मिर्च मसाले कितना पसंद है, कम ज्यादा या चटपटा? चटपटा बहू। ठीक है माँ जी। ओहो मैंने तो खाने में बहुत कम मिर्च मसाले रखे हैं, ये सोचकर कि माँ जी कम खाती होंगी, अभी बढ़ा कर आती हूँ। सुजाता रसोई में जाती है, इससे पहले दोनों चंट जिठानियां उसके खाने में मिर्च मसाले झोंक कर निकल लेती हैं। फिर सुजाता खाने में मसाले डालने आती है। थोड़ा सा खाकर चेक कर लेती हूँ कितना नमक मिर्च मसाला और डालना है। ये क्या, मैंने तो आधी आधी चम्मच नमक मिर्च डाले थे, उतने से ही सब्जी इतनी चटपटी लग रही है, और मसाले नहीं डालूंगी, अब मैं खाना दे देती हूँ। सुजाता अपनी सास को खाना खिलाती है। अरे वाह बहू, मैंने जैसा बोला था तुमने तो बिल्कुल वैसा ही खाना बनाया है, बिल्कुल सही मिर्च मसाले घेरे हैं। थैंक यू माँ जी। सास को खुश देखकर घर की दोनों बड़ी जिठानियां आपस में खुसर पुसर करती हैं। दीदी ये तो पासा ही पलट गया, हमने जितने मिर्च मसाले डाले थे वो सब तो माँ जी को पसंद आ गए। कोई बात नहीं, दूसरा काम बिगाड़ देंगे, और है तो ये कल्लो हमारी देवरानी, देखना इससे घर का कितना काम करवाएंगे। ये तुम दोनों आपस में क्या खुसर पुसर कर रही हो, शर्म तो आती नहीं है कि तुम भी इतना अच्छा खाना बना लो, पर नहीं तुमसे तो घर के काम नहीं होते। माँ जी ऐसी बात नहीं है, हम करते तो हैं काम, बस आपको ही पसंद नहीं आते। मानसी बहू। सॉरी माँ जी, आप तो जानती है मेरे मुंह से कभी भी कुछ भी निकल जाता है। मानसी वहां से 9:00-11:00 हो जाती है। कुछ देर बाद अकेले में शालिनी सुजाता से कहती है, सुजाता मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, सोच रही हूँ गिफ्ट में फेयर एंड लवली दे दूं, कम से कम तुम थोड़ी गोरी हो जाओगी हमारी तरह।
सच कहूं तो तुम हम दोनों जेठानी के साथ रहने लायक नहीं हो। मतलब माँ जी की कोई सहेली देखकर क्या बोलेगी, ये देखो दो खूबसूरत गोरी जेठानी और बीच में कल्लो देवरानी। बस यही सोचकर मैं तुम्हें कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स देना चाहती हूँ। नहीं दीदी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा है, ये बहुत है। मुझे तोहफे में कुछ नहीं चाहिए। ओ ऐसा क्या, वैसे ये सब कभी यूज नहीं किया होगा, गरीब घर से भी तो हो। इतनी भी गरीब नहीं हूँ दीदी कि ये सब ना ले पाऊँ। दरअसल बात यह है कि मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। सुजाता ईंट का जवाब पत्थर से देकर चली जाती है, जिसके बाद दोनों जेठानियों का एक बार फिर मुंह बन जाता है। बाप रे बाप, इसमें कितनी अकड़ है, इसकी अकड़ तो मैं निकालूंगी एक दिन। सुजाता बाकी कामों में लग जाती है और बड़े प्यार से अपने ससुराल को संभालती है, सास की सेवा करती है, उसे समय पर दवाई खिलाती है। अरे बेटा तू आराम कर, मैं अभी खुद ही दवाई खा लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना माँ जी, अब मेरे हाथ से ही दवाई खा लीजिए, और आपको कुछ भी चाहिए हो आप मुझे तुरंत बोल दिया कीजिए। बहू तू बहुत प्यारी बच्ची है, इतना ख्याल तो मेरा उन दोनों निकम्मी ने भी नहीं रखा। बुखार में रहती थी तब भी मेरे से पूछने नहीं आती थी, और तू तो हर दो मिनट में आती रहती है। आपका ख्याल रखने के लिए ही तो मुझे भगवान जी ने यहाँ भेजा है। हाँ जा, अब तू भी आराम कर, बहुत काम करती रहती है, और मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी दोनों जेठानी तेरे आने के बाद से अब कुछ नहीं करती। कोई बात नहीं माँ जी, मैं थकती थोड़ी हूँ, आदत है। सास के कुछ देर पैर दबाकर सुजाता फिर घर के काम में लग जाती है। शाम को उसका सिर तेज दर्द करने लगता है तो कमरे से गुजरते हुए सुमित्रा उसे देख लेती है। क्या हुआ बहू, तूने अपना सिर क्यों पकड़ रखा है, सर दर्द ज्यादा है क्या? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा सा दर्द है। अगर बहू तेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं, चल चुपचाप यहाँ बैठ, मैं तेरे बालों की चंपी कर दूं। अरे माँ जी आप खाना खाओ, क्यों परेशान हो रही हो, मैं ठीक हूँ, चुपचाप बैठ जा बहू। फिर सास अपनी बहू के सिर की बड़े प्यार से मालिश करती है। ये देख खिड़की से दोनों जेठानी आंखें जड़ा लेती हैं। देख रही हो दीदी कैसे माँ जी चार दिन की आई देवरानी पर प्यार लुटा रही हैं? ऐसा तो कभी हमें भी प्यार नहीं किया। अब तो हद ही हो गई, माँ जी इस कल्लो पर प्यार लुटा रही हैं, अब तो इसकी जिंदगी नरक बनाकर रखूंगी। वक्त गुजरता है, एक तरफ सास और सुजाता का प्यार बढ़ता रहता है। इन्हीं चीजों से परेशान होकर दोनों जिठानियां अब देवरानी को टॉर्चर करने लगती हैं। कभी उसके लगाए पोछे पर पानी डाल देती हैं, तो कभी टांग अड़ाकर उसे गिरा देती हैं। आह जेठानी जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे आए दिन परेशान करती रहती हैं? सिर्फ आप दोनों की वजह से मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, चुपचाप सहती रहती हूँ। हाँ तो कहना भी मत, वरना तो मैं ससुराल से निकाल दिया जाएगा। वैसे भी तुम जैसी कल्लो माई की शादी भी कहाँ हो रही थी। बेटा ये तुम्हारा ससुराल नहीं, दो जेठानियों का ससुराल है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, बड़ा प्यार बटोरती हो ना माँ जी से। शायद मुझे चुप ही रहना होगा, वरना मेरे मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा। दोनों जेठानी की गुंडागर्दी की वजह से बेचारी सुजाता अब घर में डरी सहमी सी रहती थी, लेकिन एक दिन सुमित्रा उसकी दशा देखकर पूछती है। बहू देख, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, तुझे मेरे सिर की कसम, बता तेरे साथ मेरे बेटे या बहू ने कुछ नाइंसाफी की है तो मैं उसे बराबर सजा दूंगी। यहाँ लड़का लड़की नहीं देखा जाता, तू बस बता मुझको। नहीं माँ जी कुछ नहीं। बहू नहीं बताएगी? ओ माँ जी दोनों जेठानी जी। ऐसा कहकर सुजाता सास को सब कुछ बता देती है। ये सुन सुमित्रा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर सुमित्रा अपनी बहू को डर का सामना करना बताती है, और अगले दिन जब जेठानी सुजाता से कुछ बोलती है तो बस जेठानी जी अब मैं और आपकी बातों के नीचे दबूंगी नहीं, आपको जितना डराना था डरा लिया। अच्छा बेटा अब तेरी जुबान खुल गई है, जानती है ना तुझे इस घर से निकाल देंगे हम। अच्छा जरा मैं अभी तो देखूं कौन मेरी बहू को इस घर से निकालेगा मेरे होते हुए। माँ जी आ गई दीदी। क्या हुआ, तुम दोनों के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गईं? मेरे पीठ पीछे मेरी बहू को तो बहुत परेशान कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे लाड़ प्यार करती हूँ, तो तुम उसके साथ ऐसी हरकतें करोगी? और वो काली हुई तो इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात थी, तुम गोरी हो तो घमंड करोगी? माँ जी
आपको इस काली बहू में ऐसा क्या दिख गया जो आप इस पर अपना प्यार लुटा रही हैं? आपने हमें तो कभी नहीं किया, ये तो इतना दहेज भी नहीं लेकर आई। बस ये जो तुमने अभी बोला है ना कि तुम्हारी सोच को दर्शाती है, तुमने इसे कितना टॉर्चर किया, बेचारी डरी सहमी सी रहती थी, मजाल है इसने एक चूंबी की। वो तो मेरे कहने पर इसने सब कुछ बताया और अब मैं ही फैसला करती हूँ कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकती। अरे जब तुम भी नई नई बहू बनकर आई थी तो मैंने तुम पर भी प्यार लुटाया था, अगर थोड़ा सा प्यार उसे दे दूंगी तो तुम ऐसे करने लगोगे? मेरे लिए तीनों बराबर हो। नहीं नहीं माँ जी, हमें इस घर से बाहर मत निकालिए, हमें गलत फहमी हो गई थी, अब हमें अकल आ गई है। हाँ माँ जी, मैं भूल गई थी कि सुजाता भी आपके प्यार की बराबर की हकदार है, और जहाँ तक हमारे पैसे रुतबे और गोरेपन के घमंड की बात है तो हम ऐसी बातें आगे से कभी नहीं करेंगे। सुजाता माफ कर दो। अरे दीदी आप बड़ी हैं, ऐसे हाथ मत जोड़िए, हम भी इंसान हैं, कभी कभी गलती किसी से भी हो जाती है। माँ जी इन्हें माफ कर दीजिए, घर से जाने को मत कहिए। ठीक है। तभी सास अपनी बाहें फैलाती है और तीनों बहू उससे लिपट जाती हैं और तीनों बहू मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।